What's up guys? Finally, हम लेके आ चुके मोस्ट डिमांडिंग गाइड वीडियो जो कि है हाउ टू यूज Zoroark। बात करें Zoroark की तो है Zoroark उन पोकेमोन में से है जो कि काफी पावरफुल है लेकिन इनको यूज करना उतना ही मुश्किल है क्योंकि यार हमारा Zoroark जो है वो चेन रिएक्शन पे काम करता है और अगर आपने एक भी मूव मिस किया तो फिर खत्म। वैसे तो Zoroark को लॉन्च हुए काफी टाइम हो गया लेकिन अभी भी 90-95% लोगों को Zoroark यूज करना नहीं आता और जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो है इसकी कम HP क्योंकि ये Zoroark बाकी स्पीडस्टर की तरह ही स्क्विशी है, मतलब पिद्दी है। इस पे दो अटैक मारे नहीं और ये खत्म। इसीलिए आपको इसको मूव यूज करते हुए काफी ध्यान रखना पड़ता है। Zoroark भी लुकारियों की तरह है, जितने ज्यादा बंदे उतना ज्यादा फायदा और सामने अगर सारे स्टन वाले पोकेमोन आए तो आपका रिएक्शन भी कुछ इस तरह का होगा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। क्योंकि Zoroark का जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है स्टन से, क्योंकि इसका जैसे कि मैंने बताया था चेन रिएक्शन में काम करता है और इसका अगर कॉम्बो मिस हुआ तो बस आपका खेल खत्म। लेकिन टेंशन लेने का नहीं है, तुम्हारा भाई तुमको नाइट स्लैश चलाने के बेहतरीन टिप्स देगा जिसके बाद तुम स्टन होने के बाद भी नाइट स्लैश चला सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लास्टोइज ने मुझे स्टन किया था, उसके बावजूद मैंने उस पर नाइट स्लैश चला दिया, वो भी फुल कॉम्बो। तो ऐसे ही छोटे छोटे स्टन को तुम लोग भी काउंटर कर सकते हो, बस तुम्हें नाइट स्लैश को समझने की जरूरत है कि कैसे काम करता है। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि कोई भी मूव अच्छे से यूज करने के लिए पहले उसके बारे में हमें बेसिक्स पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारे किसी चीज के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तब तक हम उसको अच्छे से यूज नहीं कर पाते। तो इसीलिए नाइट स्लैश को यूज करने से पहले हम इसके बेसिक्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाइट स्लैश एक चेन रिएक्शन वाला मूव है, तो इसमें क्या होता है कि आपके जो बेसिक अटैक्स होते हैं वो फॉरवर्ड डैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब अगर आप बेसिक अटैक मारोगे तो जैसे बाकी पोकेमोन्स के होते हैं बेसिक अटैक चलाता है, लेकिन इसके बेसिक अटैक डैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी आगे की तरफ डैश, जिस डायरेक्शन में आप जॉयस्टिक से कंट्रोल करोगे उस डायरेक्शन में डैश मारता है। और नाइट स्लैश यूज करने के बाद अगर आपका डैश किसी पोकेमोन पे लग जाता है तो उसके बाद आपको नेक्स्ट डैश मिल जाता है, मतलब नेक्स्ट नाइट स्लैश मिल जाता है 2 सेकंड के लिए। मतलब आप 2 सेकंड के अंदर अगला नाइट स्लैश यूज कर सकते हो। अगर आपका 2 सेकंड के अंदर किसी दूसरे पोकेमोन पे नहीं लगा तो आपका कॉम्बो वहीं पे खत्म हो जाएगा। अब दूसरे का मतलब कोई नया पोकेमोन नहीं है यार, आप सेम पोकेमोन पे भी पूरा रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हो, यानी कि एक ही पोकेमोन पे आप पूरा चेन रिएक्शन बना के पूरा फाइनल ब्लो मार सकते हो। नाइट स्लैश के भी 2 सर्कल होते हैं, मतलब एक आउटर सर्कल होता है एक इनर सर्कल होता है। इनर सर्कल में यूनिक बूस्टेड अटैक लगते हैं जिसमें कि आपके जो अटैक्स हैं वो 2 बार काउंट होते हैं, मतलब आपके 2 बूस्टेड अटैक काउंट होते हैं। ऐसे अगर आप 3 बेसिक अटैक्स एनिमीज पे मारोगे तो आपका कॉम्बो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आउटर सर्कल में अगर आप एक ही मारते हो तो आपका एक ही काउंट होगा, मतलब आप टोटल 6 बार तक बेसिक अटैक्स पूरा करके आप कॉम्बो बना सकते हो। और जैसे कि तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो कि नाइट स्लैश के मैंने 6 का कॉम्बो यहाँ पर यूज किया और उसके बाद ही मेरा फाइनल ब्लो चला है। और 6 का कॉम्बो आपका तभी लगता है जब आपका आउटर सर्कल टच होता है। अगर आपका इनर सर्कल टच होता है तो आपका 3 से 4 में ही आपका कॉम्बो कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो फाइनल ब्लो है जिसका मेन डैमेज आता है जिसमें ये हील होता है Zoroark वाला, आपका 3-4 मूव में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आउटर सर्कल टच करने का यही फायदा होता है कि यार काफ़ी दूर तक आप चेज कर सकते हो। जैसे कोई एनिमी आपसे भाग रहा है तो आप आउटर सर्कल टच करते करते आप काफ़ी दूर तक उसका पीछा करते उस पर फाइनल ब्लो मार सकते हो। और फाइनल ब्लो के टाइम पे आपका जो फर्स्ट मूव है यानी कि आपका जो शैडो क्लो है या फिर कट आप जो भी चूज करते हो वो दोनों रिसेट हो जाते हैं और उससे आप आगे की तरफ डैश कर सकते हो। मतलब अगर सपोज आपकी रेंज में एनिमी नहीं है तो आप शैडो क्लो उसके साथ यूज करके आपको थोड़ा सा डिस्टेंस में उसको मूव कर सकते हो। तो बात करते हैं इसको यूज कैसे करना है, तो चलो इसके चलते हैं हम ट्रेनिंग ग्राउंड में। तो अब बेसिक में बता देता हूं आपको नाइट स्लैश यूज कैसे करना है। तो आपको नाइट स्लैश दबाना है, कुछ ज्यादा ही हो गया, तो आपको नाइट स्लैश दबाना है, उसके बाद डायरेक्शन देनी है, फिर बेसिक अटैक मारना है, फिर डायरेक्शन देनी है, फिर बेसिक अटैक मारना है, फिर डायरेक्शन देनी है और फिर बेसिक अटैक मारना है। मतलब हर बार आपको डायरेक्शन देके बेसिक अटैक मारना है। और नाइट स्लैश आपको फर्स्ट टाइम ही दबाना पड़ता है, उसके बाद नाइट स्लैश दबाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैं यहाँ पर कूल डाउन पर रखता हूँ तो एक बार नाइट स्लैश दबाया, डायरेक्शन दी, बेसिक अटैक मारा, डायरेक्शन दी, बेसिक अटैक मारा, डायरेक्शन दी, बेसिक अटैक मारा और कॉम्बो पूरा हो गया। और आउटर सर्कल इनर सर्कल वो आपको अपने आप लग जाएंगे, वो उसकी ज़रूरत नहीं है, अपने आप उसको कॉम्बो बनाना है। बाकी इसका ध्यान नहीं रखना कि आउटर सर्कल टच करना है या इनर सर्कल टच करना है, आपको मेन जो है वो उसको आपको कॉम्बो पूरा कंप्लीट करना, और कॉम्बो कंप्लीट करना ही आपका जो मेन एम होना चाहिए। तो इसके 2 तरीके, एक तो आप जॉयस्टिक होल्ड करके पूरा यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने जॉयस्टिक पूरा दबा रखा है, उसके बाद हर अटैक के बाद बेसिक अटैक मारना है, तो इसको हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो यही है कि यार आप जॉयस्टिक पूरा होल्ड करके इसको डायरेक्शन देके आराम से मार सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाती है तो आप ये वाला
मूव यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं भी यही यूज करता हूँ, जॉयस्टिक होल्ड करके डैमेज दे सकता हूँ। तो अगर आप गेम में नए हो या फिर आप जोरवार्क पहली बार यूज कर रहे हो, तो आपको इसको यूज कैसे करना है, तो आपको नाइट स्लैश दबाना है जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है आपको। उसके बाद आपको डायरेक्शन देनी है, बेसिक अटैक मारना है, डायरेक्शन देनी है, बेसिक अटैक, डायरेक्शन, बेसिक अटैक, और आपका कॉम्बो कम्प्लीट हो जाएगा। अगर इनर सर्कल टच होता है तो आपको 3 से 4 बार में कॉम्बो कम्प्लीट हो जाएगा। और सपोज किसी के पीछे आप चेज कर रहे हो, सपोज इस डायरेक्शन में कोई भाग रहा है, तो आप उसको आगे की तरफ मूवमेंट दबा के उसके पीछे पीछे जाके ऐसे ऐसे पूरा कॉम्बो कंप्लीट कर सकते हो। और कोई पास में है तो उस पर बस आपके बेसिक अटैक्स लगने चाहिए, चाहे आउटर सर्कल या इनर सर्कल, दोनों में से कोई ना कोई टच होना चाहिए, ताकि आपका कॉम्बो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब बात करें नाइट स्लैश के साथ आपको क्या यूज़ करना चाहिए, मतलब दूसरा जो मूव सेट है, हमको शैडो क्लो यूज़ करना चाहिए या फिर कट यूज़ करना चाहिए। तो देखो यार, मैं प्रीफर करूँगा कट यूज़ करो, क्योंकि मैं तो वही यूज़ करता हूँ। इससे क्या होता है कि एनिमी स्टन हो जाता है, जैसे कि पहले तो 0.3 सेकंड के लिए स्टन होता है, लेकिन अगर ये प्लस हो जाता है, सपोर्ट जैसे 13 लेवल का हो गया, तो उसके बाद ये आधे सेकंड यानी 0.6 सेकंड के लिए स्टन करता है, जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी टाइम के लिए स्टन हो रहा है। तो ये काफ़ी बेटर रहता है, आपको कॉम्बो कंप्लीट करवाने के टाइम पे काफ़ी काम आता है। और नाइट स्लैश, सपोज नाइट स्लैश आपने यहाँ पर यूज़ कर दिया, जैसे कि हमारा शैडो क्लो है, इसको यूज़ कर दिया, तो नाइट स्लैश यूज़ करने का जो फाइनल कॉम्बो, उसके बाद हमें एक एक्स्ट्रा शैडो क्लो मिलता है, मतलब उसका शैडो क्लो के टाइमर से कोई लेना देना नहीं है, वो आपको एक एक्स्ट्रा मिलता है। जिससे क्या होता है कि सपोज कोई एनिमी आपके रेंज में नहीं, तो आप इसको थोड़ा सा आगे की ओर डायरेक्शन में भेज सकते हो शैडो क्लो यूज़ करके, यानी कि आप थोड़ा सा आगे उसको ट्रैवल करा सकते हो, उसका जो फाइनल ब्लो रहता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे को शैडो क्लो एक्स्ट्रा मिला, तो वो दबा के मैं थोड़ा सा आगे मूव कर सकता हूँ। जैसे कि मेरा शैडो क्लो यहाँ पर फाइनल मूव यहाँ पर यूज़ करो, तो शैडो क्लो मैंने यूज़ करके उसका फाइनल ब्लो यहाँ तक पहुँचा दिया। ज़्यादा रेंज नहीं है, पर फिर भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है इसको थोड़ा सा मूव कराने में। जैसे कई बार फाइनल ब्लो के टाइम पे एनिमी थोड़ा आगे पीछे इजेक्ट मार के हो जाता है, तो आप उसके ऊपर शैडो क्लो मार के उसके ऊपर जंप कर सकते हो। और कट की बात करें तो कट यहाँ पर एनिमी को हील करता है, लेकिन मुझे वो ज़्यादा बेटर नहीं लगता है। तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो आपको कौन सा यूज़ करना है, क्योंकि वो स्टन नहीं करता है, मेन चीज़ है स्टन। और आजकल एक गेम में तो पूरा स्टन का ही चल रहा है, स्टन नहीं तो खेल ख़त्म। अब एम्बलम की बात करें तो यार, इसमें जो एम्बलम है वो मेन अटैक वाले एम्बलम ही लगते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरा 644 का कॉम्बो है, तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। आप 6662 का कॉम्बो भी बना सकते हो, लेकिन बात ये कि आपको कोई माइनस में नहीं रखना है जो आपका डिफेंस, स्पेशल डिफेंस है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एम्बलम्स बनाते हैं और उसका पूरा डिफेंस माइनस कर देते हैं, स्पेशल डिफेंस माइनस कर देते हैं, तो वो नहीं करना है आपको। जितना ज़्यादा हो सके उतना प्लस में रखना है, तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो, ये बेटर है, काफ़ी अच्छा है इस पर ये कॉम्बो। और अगर आपको एम्बलम का गाइड चाहिए, यानी कि पूरा एम्बलम डिटेल्स में चाहिए, तो आप कमेंट करके बताना यार कि आपको उसका वीडियो भी चाहिए, तो मैं एम्बलम गाइड बना दूंगा। बस आपको ये है कि कमेंट करना है उसके बारे में कि आपको एम्बलम गाइड चाहिए। तो बात करें हेल्ड आइटम की, तो जोर वार्क पे जो मेन हेल्ड आइटम यूज़ होते हैं वो यही हैं, अटैक वेट, स्कोप, सॉरी रेजर क्लो एंड फोकस बैंड। बाकी आप इस पर मसल बैंड भी यूज़ कर सकते हो रेजर क्लो की जगह, और स्कोप लेंस भी यूज़ कर सकते हो, फ्लोट स्टोन यूज कर सकते हो, लेकिन उतना कुछ खास है नहीं। बाकी आप क्या ही वीकनेस पॉलिसी भी यूज़ कर सकते हो, लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी सही रहता है ये भी, आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो मैं प्रीफर करूँगा इस पर हमारे हेल्ड आइटम जोर वार्क पे, वो है अटैक वेट, रेजर क्लो और फोकस बैंड। काफ़ी अच्छा जो इसका बिल्ड है, काफ़ी अच्छा इस पर यूज़ होता है इसका, और काफ़ी बेटर रहता है इस पर। मैंने काफ़ी इसको यूज़ करा हुआ है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बस वही रैंडम वाले यूज मत करना, सेल बेल और एक्सपी शेयर, पता नहीं क्या क्या यूज़ करते हैं भाई, वो यूज़ मत करना। बस जो इसके मेन है, मतलब अटैकर, फिजिकल अटैकर के हैं, वो वाले यूज़ करना। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि जोरवार को कैसे यूज़ करना है, और क्या आपको इसके साथ मूवसेट लेना है, क्या आपको हेल्ड आइटम यूज़ करने हैं, क्या आपको एम्बलम्स लगाने हैं, वो सारा डिटेल्स में हमने आज बात कर दी। तो नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किस पोकेमोन का गाइड चाहिए, वो कमेंट करके बताना यार। और अगर आपको एम्बलम्स का गाइड चाहिए तो कमेंट करके बताना यार एम्बलम का गाइड चाहिए। और प्लीज़ यार, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये कमेंट मत करना, मैं फर्स्ट कमेंट को पिन नहीं करूँगा। जो कमेंट मुझे बेटर लगेगा कि हाँ भाई ये यूज़फुल है सब्सक्राइबर के लिए और जिससे उनका भी फ़ायदा हो, तो ऐसे कमेंट करना, तो जिसको मैं पिन कर सकूँ, जिसमें अच्छा भी लगे। तो चलो यार, आज की गाइड में बस इतना ही। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक, मुझे तो उम्मीद है वैसे कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो फिर भी लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसे ही अमेजिंग गाइड्स हम लाते रहते हैं। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।